बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। तू ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। यो फैक्ट पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहा। दुनिया के काम तो आ रहा हूं पर एक दूरी में फंस गया। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार रिश्ते दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं पर गर्व करने वाला कोई नहीं। मेरे बहुत करीबी दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा the most expensive thing in the world is trust, cheap people can't afford it। यार मूड ऑफ था क्योंकि मैं रोज यार एक रूटीन फॉलो करता हूं। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो। दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को लाइट का चिक चिक। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। सो जाऊंगा, मर जाऊंगा पर उठूंगा नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड। ईगो के नुकसान बहुत है।